हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो हमारी आज की रेसिपी है बिना दही के सूजी के चिल्ले। इसे बनाने के लिए हमने 2 कटोरी सूजी लिया है और उसमें हमने थोड़ा गर्म पानी मिलाया ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हमें झटपट बनाना होता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही काम रहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से बन जाए, इसलिए हम गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे सूख होने के लिए। फिर हम इसमें प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च काट लेते हैं। दोस्तों, इसको हम थोड़ा महीनी काटेंगे ताकि हमारे जो चिल्ले हैं वो अच्छे से बने। तो हम इसको 1-2 घंटे के बाद हम इसमें सब मिला देते हैं जो हमने काट के रखे थे। काट के मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों, ताकि हमारी जो सूजी है इसमें अच्छे से मिल जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करिए। तो दोस्तों, हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाकर हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से ये अच्छे से फूल जाएगा और धनिया, प्याज, टमाटर, मिर्च जो हमने डाला है उसमें अच्छे से नमक का स्वाद आ जाएगा। तो दोस्तों, हम फिर चलते हैं, इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे फिर इसको सोख होने के लिए, ताकि सब अच्छे से भीग जाए। तो फिर हम इस पैन चढ़ाते हैं। पैन में हमने थोड़ा तेल लेते हैं, तेल को अच्छे से हम फैला देते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अगर पैन में हम पहली बार कुछ बना रहे हैं तेल डालकर, तो हमें थोड़ा ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाद में थोड़े तेल में ही काम हो जाता है। फिर हम इसमें चिल्ले के बैटर को डाल के फैला देंगे। दोस्तों, इसको गोल आकार आप जिस शेप में देना चाहते हैं उस शेप में दे सकते हैं। हम इसको अच्छे से फैलाएँगे, फिर हम किनारे किनारे पर थोड़ा तेल डाल देंगे, जिससे हमारे चिल्ले अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से लाल हो जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और हमारे वीडियोस को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। तो दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट बन जाता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसमें कोई नुकसानदायक चीज़ें नहीं होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाए। इसमें तेल भी कम लगता है, इसमें सब अच्छी चीज़ें सब्जियाँ होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। फिर हम सारे चिल्लों को ऐसे ही बना लेंगे। दोस्तों, इसे हम पलट देंगे, पलट कर भी हम इसे थोड़ा लो फ्लेम आंच पे ही पकाएंगे। दोस्तों, अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो बाहर से तो अब हमें पका हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, जिससे इसका स्वाद ही पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसे घबराना नहीं है, हमको इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, और धीरे धीरे 2 से 3 मिनट हम एक साइड पकाएंगे और 2 से 3 मिनट ही हमें इसे दूसरे साइड पे ही पकाना है। जब ये एक साइड से लाल होने लगे तो हमें दूसरे साइड पलट लेना है, ऐसे ही हमें उलट पलट कर इसको पका लेना है अच्छे से। दोस्तों, याद रहे ये कच्चा ना रहे।